नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राणा प्रताप रॉय, आपका दोस्त। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय राणा प्रताप रॉय, यानी कि मैं। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है ऐप ड्रॉप्स पीडी आई ड्रॉप। ये एक दो दवा का एक कम्बिनेशन युक्त मेडिसिन है, जिसके अंदर पाया जाता है मॉक्सीफ्लोक्सासिन और प्रेडनिसोलोन। मॉक्सीफ्लोक्सासिन एक प्रकार का फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप का एंटीबायोटिक मेडिसिन है, और इसका काम होता है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको ख़त्म करना। ये बैक्टीरिया का जो डीएनए है उसकी संरचना को ही बिगाड़ देता है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है उसका ग्रोथ नहीं हो पाता है, उसका रिपेयर नहीं हो पाता है, उसका रेप्लिकेशन नहीं हो पाता है, उसका ट्रांसलेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन जो है बहुत जल्दी सही हो जाता है। साथ साथ इसके अंदर पाया जाता है प्रेडनिसोलोन। प्रेडनिसोलोन एक प्रकार का स्टेरॉयड है, और इसका काम होता है दर्द, सूजन, इन्फ्लेमेशन, लालपन आदि को कम करना। मॉक्सीफ्लोक्सासिन के साथ में जो डेक्सामेथासन युक्त जो ड्रॉप है उसका इस्तेमाल सिर्फ जो एक्यूट इन्फेक्शन है उसमें करना चाहिए, और उसका इस्तेमाल करने से प्रभावी ढंग से वो काम करता है। लेकिन इसका इस्तेमाल जो ऐप ड्रॉप्स पीडी है, जिसके अंदर मॉक्सीफ्लोक्सासिन और प्रेडनिसोलोन होता है, इसका इस्तेमाल करने से ये इन्फेक्शन को बहुत ही प्रभावी ढंग से सही करता है, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे काम करता है। ये जो स्टेरॉयड है प्रेडनिसोलोन, ये डेक्सामेथासन से 6 गुना धीरे धीरे काम करता है, और ये नुकसान कम देता है। जो डेक्सामेथासन आदि है उसको ज़्यादा दिन तक आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसका इस्तेमाल ज़्यादा दिन तक करने से आपको कई प्रकार की और आँखों से जुड़ी बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन जो प्रेडनिसोलोन युक्त जो ड्रॉप है ऐप ड्रॉप्स पीडी, ये एक बहुत ही सेफ एंटीबायोटिक और स्टेरॉयड का कम्बिनेशन है। इसका इस्तेमाल करने से ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाता है, और धीरे धीरे आपका जो इन्फेक्शन है वो सही हो जाता है। इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए? देखिए, इसका इस्तेमाल आजकल जो आई फ्लू चल रहा है उसमें भी कर सकते हो आप, फ़ायदा होता है। लेकिन इसका इस्तेमाल अन्य किसी प्रकार का इन्फेक्शन, जैसे कि ऑपरेशन के बाद का इन्फेक्शन हो, या किसी प्रकार का चोट लगने से जो इन्फेक्शन है, कोई केमिकल चला गया आँख में जिसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है, इन्फ्लेमेशन, सूजन, लालपन हुआ है, तो उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हो। साथ साथ अगर किसी प्रकार के थर्मल बर्न की शिकायत हो गई है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर इसकी डोज की बात करें तो इसका 1 से 2 बूंद दवाई सुबह शाम 2 टाइम, या सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको डालने से पहले आँख को अच्छे से धो लीजिए और सूखे कपड़े से उसको पोंछ लीजिए। उसके बाद में इसका 1 से 2 बूंद दवाई डालिए और 2-3 मिनट तक आँख को बंद करके रखिए, और लेटने के मुद्रा में रहिए तो सबसे बेटर रहेगा। तो इसको डालने से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर इससे थोड़ी सी जलन, इचिंग हो रहा है तो आप आपको रगड़े नहीं, उससे आपको दिक्कत हो सकती है, आपका इन्फेक्शन को सही होने में समय लग सकता है। अगर इसकी साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इससे आई इरिटेशन हो सकता है, आई डिस्कम्फर्ट हो सकता है, ब्लर्ड विजन हो सकता है, तो ये सब परेशानी हो सकती है। ड्रॉप का इस्तेमाल छोड़ देने के बाद में ये सब परेशानी अपने आप ही सही हो जाती है, और इसको थोड़ा ज़्यादा दिन तक लेने से भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक और स्टेरॉयड का कम्बिनेशन युक्त आई ड्रॉप है, और इसका इस्तेमाल करने से सेफली आपका जो इन्फेक्शन है वो सही हो जाता है। साथ साथ इन्फेक्शन के साथ साथ जो दर्द है, सूजन है, लालपन है, वो भी सही हो जाता है, और कोई आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है, और इसका जो इन्फेक्शन है वो ठीक प्रकार से सही हो जाए। इसके लिए जो परेशानी है, जिस वजह से परेशानी उत्पन्न हुई है, वो रिपीट ना हो, उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए, परहेज आपको करना चाहिए। आपको अगर आई इन्फेक्शन हुआ है तो आपको काले चश्मे का भी इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आपको किसी प्रकार का इरिटेशन आदि ना हो, खुजली वगैरह ज़्यादा ना हो, इन्फ्लेमेशन से आप आँख को ज़्यादा ना रगड़े, और जिसकी वजह से आपका इन्फेक्शन जल्दी से जल्दी सही हो जाए। तो ये जो ऐप ड्रॉप्स है, जो कि अजंता का एक प्रोडक्ट है, और इसका जो कीमत है वो बहुत ही कम है।
इसका जो 10 ml का जो ड्रॉप होता है वो आपको सिर्फ 43 रुपये का मिल जाता है। तो इसके बारे में संक्षेप में जो भी मैंने जानकारी दी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।